जिला मुख्यालय से सटे भेलवा से भटाही जाने वाली सड़क पिछले कई बरसों से काफी जर्जर होने के कारण सड़क पर चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि पिछले साल इस सड़क के बारे में वर्तमान विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया था कि सड़क का दो बार टेंडर हुआ, जिसमें एक बार टेंडर कैंसिल हो गया। वहीं दूसरी बार टेंडर होने के बाद सड़क निर्माण को लेकर मटाही चौक पर बोर्ड भी लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ ना होने से लोग नाराजगी जता रहे हैं। सड़क पर चलने में काफी परेशानी होती है, कभी धूल भरी हवा से लोग परेशान होते हैं तो कभी सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में बरसात में पानी से। सड़क पर बने गड्ढे में पानी जमा होने के बाद लोगों को पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। सोमवार की संध्या थोड़ी सी बारिश से मटाही से भेलवा जाने वाली सड़क जगह जगह सड़क तालाब में तब्दील हो चुका है। हालांकि यहां हल्की सी बारिश हुई है, अभी आगे भारी बारिश होना बाकी है। पता नहीं यह तालाब आगे सूखता है या समंदर में तब्दील होता है। सड़क पर पैदल ही नहीं मोटरसाइकिल से भी चलना दुर्लभ है। हालांकि इस इलाके के लोग पिछले विधानसभा चुनाव में अपने विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से आस लगाए बैठे थे, फिर तीसरी बार विधायक बनने के बाद मटाही से भेलवा जाने वाली सड़क को चुस्त दुरुस्त कर देंगे, लेकिन इस इलाके के लोगों का अभी तक तो सपना साकार नहीं हो सका। लेकिन आगे होगा या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। मधेपुरा से आजू अंसारी की रिपोर्ट।